अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं गोश्त कढ़ाई बनाने लगी थी, तो उसमें जो जो चीज़ें चाहती हैं मैं बताती हूँ आपको। ये मैंने गार्लिक और जिंजर का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च वो मैंने ग्राइंड कर ली थी, और ये धनिया और ये गरम मसाला, ये सब दूसरी मिर्च वो हो जाएगी, और ये मैंने टमाटर वो भी ग्राइंड कर लिए हैं, और ये ऑयल जाएगा 1 कप, और ये प्याज मैंने 2 बूटे लेके उन्हें भी ग्राइंड कर लिया है, और ये गोश्त लिया है, इसे उबाल लिया है मैंने, तो ये एग्स भी मैं डालूँगी इसमें। तो आज बहुत मज़े की गोश्त कढ़ाई बनने लगी है, तो मैंने कहा आपको भी साथ शामिल करूँ। ये मैंने ऑयल डाल दिया, अब मैंने ये प्याज डालने लगी है इसमें। मैंने ऑयल डाला था पहले, मैंने कहा थोड़ा सा वो गर्म हो जाए तो फिर डालते हैं प्याज, तो अभी ये प्याज ब्राउन होगा उसके बाद वो मसाले डालेंगे हम। अभी ये प्याज ब्राउन हो गया है तो ये मसाले भी मैं डाल देती हूँ, साथ ये जो है टमाटर भी डाल देती हूँ, अभी इनको भी भून लेती हूँ। फिर गोश्त डालते हैं, अब काफी भून चुका है मसाला, तो अब गोश्त डालते हैं इसके अंदर, तो इसे हम भून लेते हैं। देखें आप जो है ना मसाला भून चुका है, अब हम पानी डालते हैं इसमें, थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो अभी धनिया डालूंगी साथ, ये मैं एग्स भी डाल दूंगी इसमें, मिक्स करते हैं फिर डिश आउट करते हैं तो आपको दिखाते हैं। मैंने थोड़ा सा शोरबा रखा है कि मेरे घर वाले पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने पानी थोड़ा सा डाला था, और आपकी अपनी मर्ज़ी, आप मतलब पानी ना डालें तब भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हमारे जो है वो रोटी के साथ खाते हैं तो फिर कहते हैं कि थोड़ा सा शोरबा होना चाहिए। अभी मैं डिश आउट करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसकी ये लुक आई है, और अभी हमारा ये सालन चिकन कढ़ाई तैयार हो गया है। देखें कितना मज़े का लग रहा है।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करना, कमेंट करना, बताना आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो। तो आने वाली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। खुदा हाफिज़।